सिर्फ अरबी से काम नहीं चलता, अगर अरबी से काम चलता होता तो हुजूर ये न बोलते, हुजूर फारसी न बोलते। बड़े उलमा बैठे हैं, मैं गुजारिश करूंगा, मैं एक हदीस पेश कर रहा हूं कि जिस जबान को हुजूर ने नवाजा हो, अपनी जबान अथर से अदा किया हो, उसका मकाम अगर आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। हजरत अली के पेट में दर्द था, हुजूर घर तशरीफ लाए, सैयदा से पूछा कि अली कहाँ है, अर्ज की अब्बा जान पेट में दर्द था, बाहर चले गए। हुजूर हरम में आए तो आप बेताबाना लौट रहे थे मट्टी पर, तो चूंकि सलमान फारसी के साथ भी उनका बड़ा दोस्ताना था जनाबे अली का, तो हुजूर ने शायद इस वजह से या क्या वजह है हम तो नहीं जानते, बहरहाल हुजूर ने फरमाया कि अली, हुजूर खड़े हो गए, हजरत अली बेताबाना वो लौट रहे हैं जमीन पर, हाथ पर यूं पेट पर हाथ रखे हुए दर्द की वजह से, तो हुजूर ने फरमाया अली शिकम अंदर दर्द, अली पेट में दर्द है शिकम अंदर दर्द, कुम फसल ले फैन फिस सलात शिफा, उठ दो रकत नमाज पढ़ क्योंकि नमाज में शिफा है। इसलिए इस हदीस के तहत ये मैं आपको बताऊंगा, कभी जरूरत पड़ी तो आप ढूंढे जरा, आप ही ढूंढे ना। तो ये मुजर्रब नुस्खा है, मैंने भी आजमाया, आप भी आजमाए, जिसके पेट में दर्द हो तो वो अल्लाह के हुजूर नियत करके जिस तरह नमाज पढ़ते हैं पढ़े, दुआ के वक्त उठाएं हाथ और कहें कि जो मैंने पढ़ी है इसका सवाब हजरत अली को मैं पेश करता हूं, तो अल्लाह ताला पेट के दर्द से आराम अता फरमाता है हुजूर के इस इरशाद की वजह से। नमाज तो है, हम तो नफल पढ़ते हैं, नफल का माना जायद होती है, जो फराइज के अलावा वो नफल है, लेकिन जिस नफल की तरफ हुजूर इशारा कर दें, जिस दुगाने का एक सरकार अपने मुंह से इरशाद फरमा दें, उसका मकाम और होता है, वो पढ़े तो दर्द से शिफा मिलती है, मुश्किल हल होती है।